क्या होता है जब एक कॉलेज का प्रोफेसर जुवेनाइल डिटेंशन में मास्टर बन के जाता है और जहाँ पे एक गुंडे का राज चलता है। क्या मास्टर उस गुंडे का राज खत्म कर पाता है? ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी पॉइंट प्रेजेंटिंग मास्टर। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक घर में आग लगी होती है, फिर एक लड़का दिखाते हैं जिसका नाम भवानी होता है। दोस्तों, भवानी का रोल यहाँ पे विजय सेतुपति ने किया है, जो ट्रक एसोसिएशन के लीडर का बेटा होता है और उसी एसोसिएशन के लोग भवानी के पूरे परिवार को मार देते हैं और उस घर में आग लगा देते हैं। अब तीनों लोग भवानी को मारने आते हैं, पर उन तीनों में से एक आदमी बोलता है कि हम इसको नहीं मारते हैं और इस पे सारा इल्जाम लगा देते हैं। भवानी भी अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। फिर भवानी को जुवेनाइल डिटेंशन में डाल देते हैं, पर वो तीनों भवानी का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। जुवेनाइल डिटेंशन में भवानी के साथ बुरा बर्ताव होता है। भवानी को खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता है और रोज उसकी पिटाई की जाती है। वैसे तो जुवेनाइल डिटेंशन में किसी भी बच्चे को मारने की अनुमति नहीं होती है, पर जब पुलिस ही मिली हो तो क्या कर सकते हैं। अब हर रोज की तरह भवानी के साथ बुरा बर्ताव होता था, जिससे भवानी टफ बन गया था। कहते हैं ना, किसी को तभी मत डराओ कि डर उसकी ताकत बन जाए, और यही भवानी के साथ हुआ। एक दिन भवानी जुवेनाइल डिटेंशन से भाग जाता है और सीधा उन तीनों में से एक आदमी के पास जाता है और बोलता है कि डरो मत, यहाँ मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं तभी मार देता जब तुम सो रहे थे, पर मैं इसके बाद डर से जीना नहीं चाहता। अब भवानी उस आदमी से एक डील करता है कि वो उसको जाने दे, और साथ में बोलता है कि मैं हर हफ्ते जितने भी पैसे कमाऊंगा उसका 50% तुमको दे दूंगा, और जिस हफ्ते पैसे नहीं आए तो वो भवानी को जान से मार दे। और वो आदमी भवानी की बात मान जाता है। उधर भवानी ट्रक ड्राइवर से भी एक सौदा करता है कि उन सबको परमिट के साथ बॉर्डर पार करवा देगा, पर उसके लिए एक ट्रक के वो 100 रुपये लेगा, क्योंकि उस टाइम परमिट के लिए ट्रक ड्राइवर को 1000 रुपये देने होते थे, इसलिए वो सब भवानी की बात मान जाते हैं। अब ट्रक पास करवाने के लिए परमिट तो चाहिए, इसलिए भवानी परमिट ऑफिसर को जान से मार देता है और सारे परमिट पर स्टंप लगा देता है। आगे भवानी ट्रक ड्राइवरों से ट्रक के परमिट के लिए 100 की जगह 500 रुपये लेता है, और ऐसा करके वो बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। अब भवानी जुवेनाइल डिटेंशन में जाता है और वहाँ के पुलिस वाले से बोलता है कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, बच्चों को दारू सिगरेट मिलती रहनी चाहिए। ये सब भवानी इसलिए करता है ताकि बच्चों को नशे की आदत लग जाए और वो बच्चे भवानी के लिए गलत काम करें, क्योंकि भवानी कोई भी गलत काम करता था तो बच्चे उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर लेते थे, क्योंकि बच्चों को कम सज़ा मिलती थी। अब ऐसा करते हुए बहुत साल गुजर जाते हैं और भवानी बहुत सारे पैसे कमा लेता है। अब वो लोग दिखाते हैं जिन लोगों ने भवानी के पूरे परिवार को मार डाला था, और वो अब भवानी को मारने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि भवानी ट्रक एसोसिएशन का चेयरमैन बनने की सोच रहा होता है। तभी वहाँ भवानी आता है और वो तीनों भवानी से बोलते हैं कि अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से चला जाए, पर भवानी ऐसा करने से मना कर देता है और साथ में बोलता है कि वो आज के बाद जो हफ्ते के पैसे देता था वो भी नहीं देगा। इस पर वो तीनों भवानी को जान से मारने की धमकी देते हैं। तभी भवानी बोलता है कि आपको पैसे और वफादारी के बीच का फर्क पता है। फिर भवानी उन तीनों के लिए काम करने वाले गुंडों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि अपने मालिकों को जान से मार दो, मैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगा। पर पहले तो वो गुंडे ये सब से मना कर देते हैं। अब भवानी पैसे बढ़ाने लगता है, 20 से 30, 30 से 50, और लास्ट में ये सब गुंडे 80 लाख रुपए में मान जाते हैं। और इसके बाद फिर भवानी बोलता है कि पता चल गया पैसे और वफादारी के बीच का फर्क, और फिर भवानी उन गुंडों के साथ मिलकर उन तीनों को जान से मार देता है। अब जुवेनाइल डिटेंशन में निरीक्षण करने के लिए कुछ अधिकारी आते हैं, क्योंकि जुवेनाइल डिटेंशन में बच्चों के क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे होते हैं। अब निरीक्षण अधिकारी वहाँ पे एक मास्टर रखने का ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि बिना मास्टर के ये सब बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते हैं। अब सेंट जेफरी कॉलेज दिखाते हैं जहाँ पे री यूनियन प्रोग्राम हो रहा होता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल से पुलिस कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आई होती है, क्योंकि कॉलेज के 2 स्टूडेंट को जेडी मास्टर ने मारा होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले जेडी मास्टर के बारे में बताता हूँ। जेडी मास्टर का रोल विजय जोसेफ ने किया है, और ये सेंट जेफरी कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोफेसर होते हैं। जेडी मास्टर ने स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो सारे स्टूडेंट के हीरो हैं। जेडी मास्टर की एक हॉबी है, वो रोज शाम 6 बजे के बाद बस ड्रिंक करते हैं और हॉलीडे वाले दिन पूरे दिन ड्रिंक करते हैं और सब लोगों को अपनी कहानी बताकर मूवी की कहानी सुनाते हैं। अब प्रिंसिपल कुछ स्टूडेंट को बुलाता है जो उस वक्त वहाँ होते हैं जब जेडी मास्टर ने उन दोनों स्टूडेंट की पिटाई की थी। फिर वो स्टूडेंट आते हैं और बताते हैं कि इन दोनों स्टूडेंट ने कॉलेज के एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी
और साथ में बोलते हैं कि जेडी मास्टर ने इन दोनों को कभी नहीं मारा है, बल्कि इन लोगों ने उन दोनों को मारा था। पर प्रिंसिपल इनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। तभी उसी टाइम कॉलेज में मंत्री जी आ जाते हैं और प्रिंसिपल और स्टूडेंट ऑडिटोरियम में चले जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट प्रोग्राम को चलने नहीं देते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने जेडी मास्टर को सस्पेंड कर दिया होता है और स्टूडेंट मास्टर को बुलाने के लिए जिद करते हैं। फिर प्रिंसिपल इनकी जिद के आगे झुक जाते हैं और जेडी मास्टर को कॉल करते हैं, पर जेडी मास्टर उस वक्त सो रहे होते हैं। और फिर सारे स्टूडेंट जेडी मास्टर को लेने जाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गांव में यूनियन इलेक्शन की बात चल रही होती है और एक आदमी बोलता है कि इन सब की जड़ भवानी है, जो भी उसके खिलाफ बोलता है वो उन सबको जान से मार देता है। और फिर तभी वहाँ भवानी आता है और जो आदमी थोड़ी देर पहले भवानी को उल्टा सीधा बोल रहा होता है, भवानी उसका भी एक्सीडेंट करवा देता है। अब अगले दिन कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर मीटिंग चल रही होती है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। फिर प्रिंसिपल सब प्रोफेसर से पूछते हैं, पर सब प्रोफेसर मना कर देते हैं क्योंकि कॉलेज में इलेक्शन के टाइम पे लड़ाई हो जाती है, इसलिए सब प्रोफेसर मना कर देते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल जेडी मास्टर से पूछते हैं, पर जेडी मास्टर ड्रिंक करके मीटिंग में मस्त सो रहे होते हैं। तभी उनके स्टूडेंट किसी बहाने से उनको जगा देते हैं। अब जेडी मास्टर बोलते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। इस पर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर इलेक्शन होने पर लड़ाई हुई तो तुम कॉलेज छोड़ के चले जाओगे, ऐसे एप्लीकेशन लिख कर दे दो। और इस बात के लिए जेडी मास्टर राजी हो जाते हैं। अब जेडी मास्टर इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन की तैयारी उनकी देखरेख में हो रही होती है। इलेक्शन में दो लोग खड़े होते हैं, एक अमीर बाप का बेटा भार्गव जो जेडी मास्टर को पसंद नहीं करता है, और दूसरी तरफ सविता जो जेडी मास्टर की स्टूडेंट होती है। अब दोनों लोग अपनी तरफ से इलेक्शन जीतने के लिए स्टूडेंट से बात करते हैं और बहुत चीज़ों पर प्रॉमिस करते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो इलेक्शन टाइम पर जो प्रॉमिस किया है वो सब होगा। अब रिजल्ट का दिन आता है और सविता इलेक्शन जीत जाती है। और सविता के इलेक्शन जीतने के बाद भार्गव कॉलेज में अपने पापा के गुंडों के साथ हल्ला करता है। तभी सविता भार्गव से बात करने आती है और बोलते हैं कि कॉलेज में एक ही चेयरमैन हो ऐसा जरूरी नहीं है। और सविता आगे बोलते हैं कि वो इवनिंग कॉलेज को देख लेगी और भार्गव मॉर्निंग कॉलेज देख लेगा। ये बात भार्गव मान जाता है और अपने उन गुंडों से हल्ला नहीं करने को बोलता है, पर वो गुंडे भार्गव की बात नहीं सुनते हैं। ये बात जेडी मास्टर को पता चलती है, पर वो भी उन गुंडों को समझाते हैं, पर वो गुंडे भी जेडी मास्टर की बात नहीं सुनते हैं और फिर जेडी मास्टर उन सब गुंडों की पिटाई कर देते हैं। अब लड़ाई के बाद कॉलेज का फाउंडर बाहर आता है और जेडी मास्टर को लेकर चला जाता है। फिर कॉलेज का फाउंडर जेडी मास्टर से बोलता है कि तुम्हारी 3 महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है। इस पर जेडी मास्टर बोलते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है। फिर कॉलेज का फाउंडर बोलता है, नशे में तो नहीं भेज दी? और आगे कॉलेज का फाउंडर बोलता है कि तुमने ही 3 महीने के लिए जुवेनाइल डिटेंशन में बच्चों को पढ़ाने की छुट्टी मांगी है। फिर जेडी मास्टर जुवेनाइल डिटेंशन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भवानी को दिखाते हैं जो अपने खास आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसने भवानी की मुखबरी की थी। अब जेडी मास्टर जुवेनाइल डिटेंशन पहुंच जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा जुवेनाइल डिटेंशन के बारे में बता दूं। यहां पे सभी बच्चों को नशे की लत लगी हुई है और यहां के बच्चे दास के लिए अलग अलग क्राइम करते हैं और दास भवानी के कहने पे काम करता है। अब सारे बच्चे मिलकर जेडी मास्टर को भगाने का प्लान बनाते हैं, पर यहां उल्टा जेडी मास्टर बोल देते हैं कि तुम सब बच्चों को जो करना है वो करो, मैं यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए आया हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। जुवेनाइल डिटेंशन के पहले ही दिन जेडी मास्टर ड्रिंक करके डेस्क पे सो रहे होते हैं। तभी उनके पास 2 बच्चे आते हैं जो जेडी मास्टर को जगाने की कोशिश करते हैं, पर जेडी मास्टर नहीं जागते हैं। और उसके बाद दोनों बच्चे जेडी मास्टर की पॉकेट में एक लेटर रखकर भाग जाते हैं। उसी रात वो दोनों बच्चे जेडी मास्टर को बहुत बार कॉल करते हैं, पर वो फोन पिक नहीं करते हैं क्योंकि 6 बजे के बाद जेडी मास्टर का पीने का टाइम होता है। उन दोनों बच्चों ने दास का फोन चोरी किया होता है और ये बात दास को पता चल जाती है। और फिर दोनों बच्चों को भवानी के पास लेके जाते हैं। भवानी बच्चों से पूछते हैं कि तुम दोनों ने किसे कॉल की थी, तो बच्चे सब सच बता देते हैं कि उन्होंने जेडी मास्टर को कॉल की थी। और फिर भवानी दोनों बच्चों को जान से मार देता है। अगले दिन दोनों बच्चों की डेड बॉडी रूम में लटकी हुई मिलती है और ये देखकर जेडी मास्टर चौंक जाता है। फिर जेडी मास्टर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि आज से पहले जुवेनाइल डिटेंशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब जेडी मास्टर को पुलिस थाने लेकर जाती है और थाने में जेडी मास्टर को उनके कॉलेज की एक प्रोफेसर लड़की मिलने आती है और बोलती है कि उसने ही ट्रांसफर एप्लीकेशन लिखी थी ताकि जेडी मास्टर जुवेनाइल डिटेंशन में जाकर बच्चों के लिए कुछ कर सके, लेकिन वो गलत साबित हुई क्योंकि उसने जेडी मास्टर पर विश्वास किया था। उसके बाद पुलिस वाला उस प्रोफेसर लड़की से बोलता है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है। फिर जेडी मास्टर को पुलिस लॉकअप में डाल देती है। तभी जेडी मास्टर को अपनी जेब में से उन दोनों बच्चों का लेटर मिलता है जिसे पढ़कर जेडी मास्टर बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में भवानी के गुंडे आते हैं और जेडी मास्टर को मारने की धमकी देते हैं, पर उल्टा जेडी मास्टर उन सब गुंडों की पिटाई कर देते हैं। उसी टाइम
दूसरी जगह भवानी अपने एक दुश्मन को मारने के लिए जाता है। तभी जेडी मास्टर पुलिस स्टेशन से ही भवानी को कॉल करता है और बोलता है कि तू कौन है, तू क्या करता है और बच्चों का क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं ये सब पता करके रहूँगा और एक दिन तेरे सामने आकर उन दोनों बच्चों की मौत का बदला लूँगा। अब जेडी मास्टर फिर से जुवेनाइल डिटेंशन में जाते हैं और वहाँ के लोगों से पता करते हैं, पर सब लोग झूठ बोल देते हैं। फिर एक पुलिस वाला बोलता है कि इन सब के पीछे भवानी का हाथ है, उसने ही सही बच्चों को नशे की लत लगाई है और उनसे गलत काम करवाता है। अब जेडी मास्टर पुलिस वाले से बोलता है कि आप नशे की चीज़ को अंदर क्यों लाने देते हो, तो पुलिस वाला बोलता है कि हमको नहीं पता वो कैसे नशे की चीज़ अंदर लेकर आते हैं। तभी जेडी मास्टर जुवेनाइल डिटेंशन के तीनों वार्डन से मिलता है और मास्टर को पता चलता है कि यही तीनों वार्डन नशे की चीज़ को अंदर लेकर आते हैं। अब जेडी मास्टर अपने घर जाकर शाही दारू की बोतल तोड़ देते हैं क्योंकि उनको दुख होता है, काश वो उस दिन फ़ोन पिक कर लेते तो वो दोनों बच्चे बच जाते। अब दिखाते हैं कि जेडी मास्टर अपने न्यू लुक के साथ जुवेनाइल डिटेंशन जाते हैं, जहाँ पे जेडी मास्टर सब बच्चों की हाइट के हिसाब से एक लाइन में खड़े होने को बोलते हैं, पर बच्चे जेडी मास्टर की बात नहीं सुनते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। अब जेडी मास्टर किसी भी बच्चों को मार नहीं सकते थे क्योंकि जुवेनाइल डिटेंशन में आप किसी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। फिर जेडी मास्टर वहाँ खड़े तीनों बॉर्डन की पिटाई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि यही तीनों यहाँ नशे की चीज लेकर आते थे और इस बात का गुस्सा जेडी मास्टर इन तीनों बॉर्डन पर उतारते हैं। ये सब देख कर सारे बच्चे एक हाइट के हिसाब से लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर जेडी मास्टर सही बच्चे का रूम की तलाशी लेते हैं और नशे की सारी चीज को जला देते हैं। फिर धीरे धीरे मास्टर जुवेनाइल डिटेंशन में चेंजेस करने लगते हैं, जैसे सब बच्चों के बाल कटवाना, जुवेनाइल डिटेंशन में साफ सफाई करवाना आदि। अब जेडी मास्टर को छह बड़े बच्चों पर शक होता है और वो उनका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। उसी रात दास सारी बात भवानी को बता देता है और भवानी बोलता है कि मास्टर तुम सबको मार नहीं सकता है तो तुम सब मास्टर को मेंटली टॉर्चर करो। अब दास अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सी हरकतें करने लगता है, जैसे छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़ देना, खाना बनाने वाली महिला पर गर्म खाना डाल देना और भी बहुत कुछ, पर मास्टर ये सब देखकर कुछ भी नहीं कर पाता है। अब एक दिन बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ कबड्डी मैच खेलते हैं और जेडी मास्टर भी एक बच्चे का सब्स्टिट्यूट बनकर कबड्डी मैच खेलता है और बड़े बच्चों को बुरी तरह मारता है क्योंकि जेडी मास्टर को पता चल गया होता है कि ये छह बड़े बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर है क्योंकि मास्टर ने इन छह बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया होता है और ये सब चोरी छुपे यहाँ रह रहे होते हैं। अब कबड्डी मैच के बाद रात को मास्टर उन सब छोटे बच्चों का इंटरव्यू लेता है और सारे छोटे बच्चे सब सच बता देते हैं, वो दास के कहने पर काम करते हैं पर लेकिन वो बच्चे भवानी को नहीं जानते हैं। अब इंटरव्यू के बाद उस कैमरे को लेकर वो प्रोफेसर लड़की चली जाती है, तभी उसका पीछा कुछ गुंडे करते हैं और फिर वो प्रोफेसर जेडी मास्टर कॉल करती है। तभी जेडी मास्टर से बात करते हुए एक छोटा बच्चा देख लेता है, वो बच्चा उन गुंडों को जानता है और वो छोटा बच्चा उन गुंडों से बोलता है कि ये प्रोफेसर उसकी दीदी है और उनको जाने दे, पर वो गुंडे उस प्रोफेसर से कैमरा मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर वो कैमरा वो गुंडे भवानी को दे देते हैं। अब मास्टर उस बच्चे से बोलते हैं कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। तभी वो छोटा बच्चा जेडी मास्टर को अपने हाथ पर एक निशान दिखाता है और बोलता है ये निशान से हमको जो चाहिए होता है मिल जाता है, जैसे खाना पीना कपड़े आदि मिल जाते हैं, बस इन बच्चों को इसके बदले वो काम करना होता है जो दास बोलता है। अब जेडी मास्टर उस छोटे बच्चे के साथ उन सभी दुकानों पर जाते हैं जहाँ पे ये निशान चलता है और फिर उन सभी दुकान के मालिकों की पिटाई करता है क्योंकि वो ये सब भवानी के कहने पर कर रहे होते हैं। अब अगले दिन जेडी मास्टर भवानी के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां पे जेडी मास्टर एक आदमी को पीछे से पकड़ लेता है। फिर दिखाता है जिस आदमी को जेडी मास्टर ने पकड़ा होता है वो कोई और नहीं खुद भवानी होता है और इस बात का पता जेडी मास्टर को नहीं चलता है क्योंकि भवानी को कभी जेडी मास्टर नहीं देखा होता है। और फिर जेडी मास्टर भवानी के साथियों से बोलता है कि भवानी से बोल देना कि ये सब काम बंद कर दे नहीं तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। अगले दिन भवानी मास्टर कॉल करता है और बोलता है कि तेरे सब चाहने वालों को मैं जान से मार दूंगा। और अगले दिन ऐसा ही होता है, भवानी जेडी मास्टर के सारे जानने वालों पे हमला करवा देता है। अब मास्टर भवानी को मारने के लिए उसके अड्डे पर जा रहा होता है, तभी मास्टर पे जुवेनाइल डिटेंशन से पुलिस की कॉल आती है और मास्टर को पता चलता है कि दास सारे छोटे बच्चों को ट्रक में भरकर भवानी के पास लेके जा रहा होता है। फिर जेडी मास्टर वापस जुवेनाइल डिटेंशन में आता है और दास के साथियों को समझाकर दास का पता पूछता है और फिर मास्टर दास तक पहुंच जाता है। अब जेडी मास्टर दास को समझाता है कि भवानी उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो इन सारे बच्चों को जान से मार के सारा इल्जाम दास पे लगा देगा क्योंकि कोई भी बच्चा भवानी को नहीं जानता है और वो सब बच्चे दास को जानते हैं। फिर दास मास्टर की बात मान जाता है और मास्टर को भवानी के अड्डे पर लेकर जाता है। अब मास्टर भवानी के बीच लड़ाई होती है और मास्टर भवानी को जान से मार देता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 135 करोड़ था। इसने बॉक्स ऑफिस पे 250 करोड़ का कलेक्शन किया है और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग 7.1 है।